टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वार्म वेलकम। गॉर्जियस, ऑनेस्ट एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड आर फ्यू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब रुमानी भूटानी एस मिसेस लुधियाना 2019। हर ऑनेस्टी एंड पॉजिटिविटी इज प्रिटी इम्प्रेसिव। अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना, अपनी जॉब को पूरी डेडिकेशन के साथ करना, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने किड्स को हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना एंड मोर ओवर मिसेस लुधियाना का क्राउन जीतकर स्मार्ट सिटी लुधियाना को प्राउड फील कराना। इतना सारा टैलेंट लेकर आज रुमानी भूटानी हमारे साथ हैं, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं इस मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपने तो प्राउड फील करवा ही दिया पूरे लुधियाना को, एंड वी वांट योर इंट्रो इन योर वर्ड्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुमानी एंड आई एम फीलिंग ऑन द सेवेंथ हेवन, क्योंकि मैंने जीता है मिसेज लुधियाना 2019 का क्राउन एंड आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द हेवन। मुझे लग रहा है कि आई एम द लकीस्ट गर्ल ऑन दिस यूनिवर्स। That's so sweet, ma'am. एक मैम, हमने सुना है कि आप वर्किंग है, तो आप प्लीज व्यूअर्स को बताइए कि आप किस फील्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। या आई एम अ टीचर, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल PAU में एज अ मैथ्स मिस्ट्रेस वर्क कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई जॉब एंड आई हैव मेंटेन्ड अ वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन माई जॉब एंड माई हाउस होल्ड लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैम, हु इंस्पायर्ड यू टू गो इन दिस ब्यूटी पेजेंट लाइन? एक्चुअली कहते हैं ना, कोई पॉजिटिवली मोटिवेट करता है, कोई नेगेटिवली। मेरे ब्यूटी पेजेंट जीतने के पीछे 80% और 90% रोल मेरे हस्बैंड का है। ही ऑलवेज यूज टू से मी, तू अंगूर खा ही नहीं सकती, अंगूर ना बड़े खट्टे हैं, तूने खाए? पर यू सेड अंगूर इज वेरी खट्टे खट्टे खट्टे। मैंने कहा अब तो मैं अंगूर जरूर खाऊंगी। एक्चुअली ही चैलेंज्ड मी इन अ नेगेटिव वे एंड यू एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। यस, अगर वो मुझे चैलेंज नहीं करते तो आई वॉज ऑल्सो कैजुअल, चल छड़ यार की करना है। पर उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट किया एंड आई वांट इट। एंड मैम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट दैट टाइम? एक्सपीरियंस वाज रियली मार्वेलस। 9to9 एंटरटेनमेंट की जो टीम है, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, इट इज रियली, आई रियली वांट टू थैंक सर परमिंदर सिंह सर एंड पूरी 9to9 एंटरटेनमेंट की टीम को, जिन्होंने बेसिकली मैरिड लेडीज को ये एक प्लेटफॉर्म दिया। When we are young, no, जब एक लड़की ग्रो करती है, normally she is in 16 और 18 years, हर लड़की को होता है कि हाय मेरे सिर पे ताज हो, you know, मैं फेमिना मिस इंडिया बनूं। वो सपना नहीं पूरा हो सका, पर ससुराल परिवार में आके मिस से मिसेस का सफर जरूर पूरा हो गया। एंड थैंक्स टू मिसेस पंजाब की पूरी टीम को, जिन्होंने हाउस होल्ड लेडीज को, वर्किंग वुमेन को, मैरिड वुमेन को ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू टू द होल टीम। कहते हैं सबका कोई ना कोई आइडियल होता है, आप किसे अपना आइडियल मानते हैं? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अपने मदर इन लॉ को अपना आइडियल मानती हूँ। मीन शी इज द लेडी, शी सैक्रिफाइज्ड अ लॉट फॉर मी। जो आज मैं जॉब कर रही हूँ, जो मैं आज इस ब्यूटी पेजेंट में गई हूँ, मीन्स एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ हर। एंड वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने सॉफ्ट, इतने पोलाइट, एंड शी हैज़ नेवर एवर सेड नो टू मी इन एनी कंटेक्स्ट। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए नो नहीं किया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड आई फील कि अगर मैं अगले जन्म में बनूँ तो उनके जैसी बनूँ। भक्ति मीन्स एवरीथिंग, शी इज़ फुल फ्लेज्ड, हर एस्पेक्ट में शी इज़ पूरी। You are so lucky that you are blessed with such a wonderful lady. Yes, I am very, very blessed. कहते हैं ना कि नॉर्मली सस चंगी होवे, नहीं तो फोटो टंगी होवे, एंड आई एम बिल्कुल अगेंस्ट दिस नोशन। मीन सास होनी चाहिए। कहते हैं कि जो मदर एंड फादर होते हैं ना, दे आर द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम द हेवन। एक लड़की की शादी होगी, वो एक नए घर में आ गई है ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ की कमी पूरी करने के लिए भगवान ने सास और ससुर का रिलेशन बनाया, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का रिलेशन बनाया। इट डिपेंड्स अपॉन अस, है ना। अगर बहू खुद को बहू नहीं बेटी समझेगी तो सास खुद को माँ बनाएगी। एंड तो मैम एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने बताया वर्किंग है, तो आपने इस लाइन को और अपने उस लाइन को कैसे बैलेंस किया? That also the credit goes to her, because I am having two kids. मेरे दो बेटे हैं, one is 8 years and one is 3 years. मेरा बेटा 6 months का था when I started this job, and मैंने उसको कभी एक दिन भी क्रच नहीं भेजा। उन्होंने ही हैंडल किया, उन्होंने ही, वो कहते हैं ना मैं देवकी और वो यशोदा, जन्म मैंने ज़रूर दिया पर पाले उन्होंने, सीरियसली।
उनकी वजह से ही मैं बैलेंस कर पाई हूँ। हम कह सकते हैं आपका इतना अच्छा एक मैसेज देख के ना, जो मदर इन लॉज है उनको तो बहुत अच्छा एक मैसेज मिलने। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली व्हेन वी वेंट फॉर द ऑडिशंस एंड वहां पे किसी ने बहुत अच्छी, कहते हैं ना कि अच्छी चीजों लोगों की कॉपी करनी चाहिए, समबडी देयर सेड कि इट्स नॉट मदर इन लॉ, इट्स मदर इन लव, इट शुड बी मदर इन लव, फादर इन लव, जिनको हम डीपली लव कर सकते हैं, है ना। मीन्स आई रियली से हैट्स ऑफ टू दैट लेडी नव्या कौर जिन्होंने वहां पे ऑडिशंस में ये बात बोली, एंड रियली आई अप्रिशिएट दैट। एंड मुझे भी लगा यस वी शुड चेंज दिस नोशन, मदर इन लॉ की जगह वी शुड कीप द नेम मदर इन लव एंड फादर इन लव। तो मैम रैंप पे उस टाइम आप कितने नर्वस थे और वो कॉम्पिटिशन आपके लिए कितना टफ था? कॉम्पिटिशन वॉज टफ देखो, but I prepared myself very well for the talent show, though I had only 3 days with me. 10th of July ko maine register kiya and this event was scheduled to be on 14th of July. Maine puri iski taiyari ki, talent round ke liye bhi I prepared myself. Ramp walk karte time I was much confident, mujhe nahi laga, but at the end when the 3 finalists were taken out and when the same question was asked to all the 3, then at the end I got a bit nervous. मुझे लगा कि हाई अब दिल की धड़कने तेज होनी शुरू हो गई थी, अब क्या होगा अब क्या होगा। At the in the starting I was much confident. And ma'am, definitely we want to ask that last question, जिसने आपको इतनी बड़ी achievement दिलवाई। You have to share. Yes, 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 definitely. It was asked that you all 3 will be given 30 seconds to answer the same question. Same question was asked from all 3, and the question was that why do you think that you are better than the other 2 contestants to win the title of Mrs. Ludhiana? Each had to give that why you think that you are much appropriate and you are better than the others to get this. And what you answered at that time? Actually, I was very nervous. So I had to just said this thing that I am confident and I feel that I am in the fully Punjabi attire. I am wearing the Punjabi suit. I am having the henna on my hands. I am wearing the paranda. Means everything is, actually it's the pageant of, basic pageant is Mrs. Punjab. So we had to go according to that dress up. So this is what I said. तो मैम जैसे अभी आपने मिसेस लुधियाना का तो एक क्राउन विन कर चुके हैं, तो आगे आप मिसेस इंडिया के लिए भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, मिसेस पंजाब एंड देन मिसेस इंडिया? या डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू विद इट। एंड आई एक्चुअली, उन्होंने मुझे पूछा अगर आप मिसेस लुधियाना का पेजेंट जीत जाते हैं व्हाट विल यू डू, देन आई सेड कि आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं दिलो जान से मेहनत करूंगी मिसेस पंजाब का टाइटल जीतने के लिए। Then they said, अगर आप मिसेस पंजाब भी जीत जाते हैं, then अब क्या करेंगे? Then I will fight for मिसेस इंडिया। That's great. मैम एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे जो भी हम लोग ब्यूटी पेजेंट के जो विनर्स देखते हैं, कहीं ना कहीं आज हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं वो सोशल वर्क के साथ बहुत ज्यादा अटैच अपने आप को कहते हैं, कह सकते हैं हम उनको की, तो आप भी अगर आपको ये चांस मिलता है मिसेस पंजाब का, होपफुली पॉजिटिवली आप क्राउन विन करें, तो आप सोशल वर्क किस तरीके से करना चाहेंगे इन लुधियाना? फर्स्ट एंड बेसिक थिंग, स्प्रेडिंग द पंजाबी कल्चर अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द चिल्ड्रन, बिकॉज आजकल चिल्ड्रन वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं एंड वो पंजाबी कल्चर, अपने पंजाबी विरसे तो दूर जाते जा रहे हैं, उन्होंने पंजाबी विरसे नाल जोड़ के, दिस इज द बेसिक थिंग आई वुड लाइक टू डू। एंड इस पेजेंट का भी बेसिक पर्पस यही है कि लोगों को, बच्चों को पंजाबी विरसे के साथ दोबारा से जोड़ना। आजकल के आप बच्चों से पूछो पक्षी क्या है, छज क्या है, दे डोंट नो, है ना, फुलकारी क्या है, दे डोंट हैव एनी नॉलेज बिकॉज दे हैवंट सीन एनी दीज ऑफ दीज थिंग्स, है ना। मैं प्रेफर करूंगी कि मैं लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचा पाऊं, हम दुबई जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं इन द वेकेशंस, वन डे इन द वेकेशंस वी कैन टेक आर चिल्ड्रन टू सम नियर बाय विलेज, है ना, जहाँ पे वो ट्यूबवेल एंड जो वो बेसिक चीज़ें हैं वो देख के अपने पंजाबी विरसे के साथ, चूल्हा चौंका देख के, हम देखते हैं आजकल हवेलियों में वो बने होते हैं इमेजेस, पर जब तक हम वो रियलिटी में नहीं देखेंगे तो बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे। ये मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपने लेवल पे, बींग अ टीचर ऑल्सो, मेरे लिए ये थोड़ा सा ईजी प्रोसेस है बिकॉज मेरे कंटैक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके साथ कंटैक्ट करके या कुछ भी, कुछ पंजाबी के लेख मुकाबले करवा के, ऐसे कॉम्पिटिशन्स या सुंदर लिखाई मुकाबले करवा के उनको पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी कल्चर के साथ ज़रूर जोड़ना चाहूँगी मैं। तो आपका सोशल वर्क इतनी पॉजिटिव, कहते हैं ना कि एक रिस्पांस लेकर आएगा सबके लिए आने वाले। या श्योरली श्योरली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, रेस्ट इज अप टू गॉड।
तो मैम अगर आपको इन फ्यूचर आपने अपने आपको इतना मेंटेन किया हुआ, यू आर वेरी गॉर्जियस आल्सो, हाइट से भी आप इतनी ब्लेस्ड हैं, तो अगर आपको आगे चांस मिले मूवीज में जाए, पंजाबी मूवीज में एक्ट करने के लिए, सॉन्ग्स में एक्ट करने, डू यू वांट टू गो फॉर दैट आल्सो? आई विल डू, बट दैट टू विद इन सम लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज मेरे दो बेटे हैं एंड आई हैव टू लुक आफ्टर देयर स्टडीज, वी आर हैविंग अ जॉइंट फैमिली, है ना, नॉट एनीथिंग एट द सेक ऑफ माई फैमिली. ये नहीं है कि मैं चली जाऊंगी और पीछे से मेरे बच्चे सफर करेंगे, नो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो. ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, एक शौक था, है ना, एक सपना था कि सिर पे ताज हो, एक शौक था, आपने खट्टे अंगूरों को मीठा कर दिया. नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ द फैमिली. That's very good. एक मैम हम पूछना चाहेंगे कि जैसे हम कहते हैं हम कुछ भी चीज़ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में तो 50% रेशो होती है जो आपको अप्रिशिएट भी करती है, 50% होती है जो आपसे जेलस भी होती है. तो हम आपसे ये पूछेंगे जो आपसे जेलस होंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ऐसा होगा तो आप एक कोई वेरी न्यूट्रल कहते हैं ना कि जो जिसकी अच्छाई है वो ले लो, जो जिसकी बुराई है लेट इट बी. जो अगर कर रहा है जेलसी तो वो अपने कॉस्ट पे कर रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, है ना. तो आई हैव टू डू माय गुड, है ना, मैंने अपना गुड पार्ट करना है. जो दूसरा कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, तो इट हार्डली बॉदर्स मी. एंड फॉर यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? ब्यूटी द इनर सेल्फ, द कॉन्फिडेंस, है ना. सूरत नालो सीरत ज़्यादा वध मायने रख दी है. मीन्स यू शुड हैव द नॉलेज, यू शुड हैव द पावर एंड यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस एवरी चैलेंज इन योर लाइफ. दैट इज़ योर इनर ब्यूटी. होती है आउटर ब्यूटी, डू मैटर्स, आई एम नॉट सेइंग, मे बी इट प्लेज द रोल 20 or 30%, बट द मेन मेजर पार्ट इज योर इनर ब्यूटी. आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ की रियल सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स को फेस करने का, दैट इज योर इनर स्ट्रेंथ, दैट इज योर रियल ब्यूटी. मैम अब हम चाहते हैं कि लुधियानवीस को आप इतना स्वीट सा कोई मैसेज दीजिए जो यहाँ की लेडीज को, यहाँ के यूथ को, जो उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज बन जाए. या आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से एवरी वन, स्पेशली टू द मैरिड वुमेन जो हैं, जो आज घर बैठी हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई. मुझे लगा अगर ये लुधियाना में कंपटीशन हो रहा है तो उसकी 1% भी मैरिड लेडीज वर नॉट प्रेजेंट देयर. मे बी कईयों को मैसेज नहीं मिला, कईयों की फैमिली ने नहीं सपोर्ट किया, है ना. तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो जिसकी फैमिलीज हैं, प्लीज़ जिनके अंदर टैलेंट है, लेट देम कम आउट. शादी से पहले नहीं उनको ये मौका मिला तो शादी के बाद उनको ज़रूर ये मौका दीजिए कि आके वो अपना टैलेंट, हिडन टैलेंट लोगों के सामने दिखा सकें. अगर वो अपना टैलेंट आज आके दुनिया को दिखाएंगे तो उनके बच्चे भी आगे बहुत कुछ सीखेंगे एंड आगे वो इस लाइन में जाके बहुत कुछ गेन कर सकते हैं. ये नहीं है कि मॉडलिंग लाइन में कोई बुराई है, इट इज़ अप टू यू कि आपने किस लाइन को कैसे लेना है, कैसे अपनी लाइफ के साथ उसको मैनेज करना है. इवन आई एम अ टीचर, मेरे भी दो बच्चे हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, पर मैंने अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही ये सब कुछ कर पाई हूँ. मेरी मदर इन लॉ की सपोर्ट, मेरी हस्बैंड की सपोर्ट, सारी फैमिली, मेरे उधर पेरेंटल फैमिली है, मेरी दीदी जिया जी हैं, एंड ऑल आर वेरी वेरी सपोर्टिव. तो मैं सबको ये मैसेज जरूर दूंगी कि जिसके अंदर कैलिबर है, टैलेंट है, प्लीज डू कम आउट. आप अपना टैलेंट निखार के बाहर लेके आ सकते हो. लास्ट में अपने हस्बैंड को, जिन्होंने आपके लिए अंगूर तो खट्टे बता दिए थे, आपने मीठा भी कर दिया, उनको एक थैंक्स गिविंग मैसेज, अपनी फैमिली को, अपनी मॉम को, सबको एक थैंक्स गिविंग मैसेज, जिनकी सपोर्ट से, फुल सपोर्ट से आज आप इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ हमारे साथ बैठे हैं. मैंने आते ही अपने सिर का क्राउन उतार के अपनी मदर इन लॉ के सिर पे डाला था एंड उन्हें बिग 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 थैंक्स बोला था. जब मैं आई तो मेरे फादर इन लॉ लड्डुओं का डब्बा लेके हाथ में खड़े हुए थे. मेरे जिया जी ने और मेरी दीदी ने मुझे इतना प्यारा सा क्वीन का मग दिया. मीन्स आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है जो मुझे हर तरह से सपोर्ट कर रही है एंड आई रियली 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 लव माई फैमिली एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम ऑल इन माई लाइफ. एंड वन थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर यू, जिस दिन ये पेजेंट था तो वी केम बैक नाइट को किसी फंक्शन से 12 बजे, तो मैंने मेहंदी लगानी थी. दिस इज अब थोड़ी सी तो उतर गई है तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड पे तो अपने राइट हैंड से लगा लिए. तो आई हैड नथिंग टू अप्लाई, हस्बैंड सो गए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सारे सो गए, अब किसको कहूँ. तो मेरे 8 ईयर्स के बेटे पर भुटानी ने मेरे हैंड पे ये मेहंदी लगाई ऑन द सेकेंड हैंड एंड ही सेड मम्मा मैं तो मेहंदी आर्टिस्ट बन गया. मतलब छोटे से छोटे, मतलब किड्स ने भी कंट्रीब्यूशन है. एंड व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर माय
माई डांस टैलेंट राउंड के लिए जो मैंने डांस की प्रैक्टिस करती थी, ही यूज टू गिव मी, अभी यू आर गेटिंग 7 out of 10, अभी यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू गेट 10 out of 10. की जजमेंट घर पे ही हो चुकी थी. यस यस, ही वॉज मेकिंग माई वीडियोज, वो मुझे बता रहा था यहाँ पे ये स्टेप ऐसे हो रहा है, आप ऐसे कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो. सो ही वॉज गाइडिंग मी, मीन्स फैमिली की छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक की सबकी फुल सपोर्ट थी. थैंक यू सो मच मैम अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए. तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ गॉर्जियस डीवा मिसेज रुमानी भूटानी, जो अभी अभी क्राउन विन करके आई है मिसेज लुधियाना का. और उन्होंने हमें बहुत ही एक अच्छी बात शेयर की कि अगर वो आने वाले टाइम पे मिसेज पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगी और वो क्राउन विन करके आती हैं, तो वो सोशल वर्क जिस फील्ड में वो आगे जाना चाहेंगी, वो अपने पंजाबी विरसे को आगे करना चाहती हैं, जो हमारा पंजाब का यूथ, हमारे किड्स पंजाबी कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वो आगे उनको प्रमोट करेंगी, उनको बहुत कुछ सिखाएंगी बींग एज अ गवर्नमेंट टीचर. तो होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा इनसे मिलकर, और हमने भी शेयर किए उनसे बहुत ही वंडरफुल मोमेंट. थैंक यू मैम वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मिसेस पंजाब पेजेंट ऑल्सो. थैंक यू वंस अगेन. कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी.